तो मैं हूं जामिन खान, आप देख रहे हैं चैनल जामिन इलेक्ट्रीशियन। आज मैं सीलिंग फैन में ये आवाज़ करता है और कुछ देर बाद आधा घंटे बाद पंखा अपने आप बंद हो जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम एक मार्किंग निशान मार लेते हैं खोलने से पहले, और इस सीलिंग फैन को हम फटाक से हम इसके पेंच को खोल लेते हैं। देखिए हमने इसके पेंच को खोल दिया है, ये देखिए बहुत ही आराम से इसका ऊपर का कैप निकल आया है, यानी शाफ्ट नीचे भी निकल आई। इसका मतलब बैरिंग हमारी एकदम लूज थी, शाफ्ट इसकी कट गई है। तो इस शाफ्ट को हम कैसे सही करेंगे अभी हम आपको बताते हैं, क्योंकि बैरिंग हमेशा टाइट शाफ्ट पर लगी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस बैरिंग को हम निकालेंगे, नीचे सपोर्ट रख लीजिए ताकि इसकी प्लेट टूटने ना पाए। देखिए बैरिंग हमने ये ऊपर की साइड की बैरिंग है निकाल दी है। अब नीचे वाली बैरिंग हम पुलर की मदद से निकालेंगे। ये पुलर है, इसमें दो तरह की बैरिंग निकलती है, 6201 6202, दो प्रकार की बैरिंग हम निकाल सकते हैं। देखिए पुलर लगाने का तरीका, सबसे पहले नीचे कड़ोई रखी, ऊपर से हमने इसमें एक पत्ती डाल दी और इसमें बीच में सुराख होता है वहाँ पर हमने इस कील को डाल दिया है। अब पकड़ेंगे और नीचे इसको घुमाएंगे बोल्ट को तो टाइट होगा, तो ये अपने आप प्लेट से बैरिंग बाहर निकल आएगी। देखिए बैरिंग हमारी निकल आई है, ये बैरिंग हमारी 6201 जो नीचे की तरफ लगी होती है, ये देखिए दोनों बैरिंग हमारी पूरी तरह से ख़राब हैं। अब प्लेट को अच्छी तरह से साफ कर लें। अब हम इसके शाफ्ट को कैसे सही करते हैं अभी बताएंगे। देखिए बैरिंग हमारी कितनी लूज है शाफ्ट पर, ये आराम से खिसक आती है, इसको टाइट होना चाहिए। तो हम देखिए एक आप फाइल ले लीजिए या रेती, आप यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो हमने इसमें शाफ्ट में दाग मार के इसको दिया है ताकि बैरिंग हम इसमें टाइट आ जाएगी। बैरिंग ऊपर साइड लगती है सीलिंग फैन में, ये 6202 बैरिंग है। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर हर प्रकार की रिपेयरिंग वीडियो आती रहती है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलते हैं वीडियो आगे देखें। हमारी बैरिंग एकदम से टाइट जा रही है, जो कि टाइट होनी चाहिए। अच्छी तरह से बैरिंग को बैठा लें। देखिए हमारी बैरिंग अब एकदम से शाफ्ट पर टाइट हो चुकी है। अब नीचे वाली शाफ्ट में इसी तरह हम फाइल से दाग मार देंगे। देखिए इसको भी लगाते हैं, ये बैरिंग को देखिए 6201 बैरिंग हमने नीचे साइड में लगाया। देखिए ये भी बैरिंग हमारी टाइट लग रही है, देखिए काफ़ी ठोकने से जा रही है बैरिंग। अब हम इसको प्लेट इसमें फिट करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले प्लेट में हम देखिए वायरों को डालकर अब हमने स्टेटर फंसा दिया है, और इसको आसानी धीरे धीरे ठोकेंगे और घुमा कर देख लें कि कहीं चाल तो नहीं है, हिला कर देख लें। देखिए अच्छी तरह से हमारा इसमें स्टेटर फिट हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को हमारे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की रिपेयरिंग वीडियो आती रहती है। चलते हैं आगे। देखिए ये रोटर है, इसको अच्छी तरह से रेगमाल से साफ़ कर लेंगे, जो कार्बन लगा हुआ है वो साफ़ हो जाएगा। तो रेगमाल से हम इसको साफ़ कर लेते हैं, अच्छी तरह से रोटर को घुमा घुमा कर साफ़ कर लें, जिससे मैग्नेट अच्छा बनेगा और हमारा पंखा अच्छी स्पीड में चलेगा। देखिए हमारा रोटर अच्छी तरह साफ हो गया है। अब हम इस रोटर को लगा लेते हैं। जिधर से रोटर आपका अच्छी तरह बैठे आप दोनों तरफ से रोटर लगा सकते हैं। अब देखिए हम सीलिंग फैन के नीचे वाली प्लेट को हम लगाएंगे, मार्किंग निशान देख लेते हैं, इससे हमारे पेंच सुराख आमने सामने आ जाएंगे। नीचे वाली प्लेट को हम ठोक लेते हैं। अब हम इसमें स्क्रू फंसा लेंगे और धीरे धीरे इसको टाइट करेंगे। चलिए हम जल्दी से इसके स्क्रू फंसा लेते हैं। हमने सारे स्क्रू को फंसा दिया है, अब स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तीनों पेंचों को बारी बारी से
टाइट कर दें और पंखे को बीच बीच घुमा कर भी आप चेक कर लें कि कहीं जाम तो नहीं हो रहा। और अगर जाम होगा तो अभी हम आगे आपको बताएंगे कैसे इसको फ्री करेंगे। देखिए हमने सारे पेंच को टाइट कर लिया, अभी इसको हम घुमा कर देखेंगे और इसके आपको कनेक्शन भी बताएंगे। देखिए हमारा फ़ैन फ्री हो गया है। अगर आपका फ़ैन फ्री नहीं हो अच्छी तरह से इसको ऊपर से भी हल्का ठोंक दें। देखिए घुमाकर अब हमारा सीलिंग फ़ैन आवाज़ भी नहीं कर रहा, ऊपर से हल्का सा इसको और ठोंक दें ताकि बैरिंग अच्छी तरह से बैठ जाए। देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा फ़ैन अब फ्री हो गया। देखिए अब हम इसके जो कनेक्टर हमारा है उसको लगाएंगे, जिसमें हमारा कनेक्शन होगा और कंडेंसर लगता है। उसके बाद अभी आपको हम इसके कनेक्शन भी बताएंगे कि कैसे इसके कनेक्शन करते हैं। देखिए हमने इसके कनेक्टर को टाइट कर दिया है। देखिए हमारे चार वायर हैं इसमें, दो लाल वाले हमारे रनिंग के हैं और दो पीले वाले हमारे स्टार्टिंग के हैं। तो सबसे पहले हमने कंडेंसर लगा लिया है और एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का हमने मिलाकर इसको कॉमन बना लिया है। हमारा एक रनिंग और स्टार्टिंग बचा है उसको कैपेसिटर पर लगा देंगे और सप्लाई हम जो है एक कॉमन पर देंगे और एक हम जो रनिंग वाला हम कैपेसिटर पर लगाया है एक सप्लाई वहाँ पर देंगे। देखिए समझ लीजिए हमने इसको एक कॉमन को ऊपर वाले कनेक्टर पर लगाएंगे और एक रनिंग का और कैपेसिटर का सबसे नीचे वाले पॉइंट पर। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मिलेंगे।